हरी हरी चूड़ियां। तंस कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो इस हकीकत को पहचान गया हूं कि मेरी मां मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि तेरी जिंदगी में अब किसी और इंसान की कभी कोई गुंजाइश नहीं आ सकती। उस लड़की के लिए मुझे इस तरह इरिटेट कर रही जो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो तुम्हारे लिए अहम ना थी ना रहेगी। वो मेरे लिए अहम हो गई थी मामा, और हमेशा रहेगी। एहसास मोहब्बत के साथ साथ मुझे एहसास निदामत भी सौंप दिया। काशान कम ऑन, क्या फजूल बातें कर रहे हो? अभी फजूल बात थोड़ी कर रहा हूँ यार। भाई मामा से पूछिए, मेरी जिंदगी में जो भी लड़की आती है उनको लगता है कि वो मुझे इनसे दूर कर देगी। मामा आजकल बहुत खुश हैं। बहुत उम्मीदें हैं उनकी आपसे। खुश रखना चाहिए उन्हें कि छोटी छोटी बातों में नाराज ना हुआ करें। लेकिन उनकी उम्मीदें अब किसी और से भी। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि पहले मैं शादी के लिए तैयार नहीं होती थी क्योंकि मुझे मेरी मर्जी का लाइफ पार्टनर नहीं मिला था, लेकिन अब मिल गया है। आप पूछेंगे नहीं कि वो मुझे कहाँ मिला है? नहीं, आपका जाती मामला है। मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? ये आपका भी जाती मामला है। अली मैं आपसे मोहब्बत करने लगी। मुझे आपसे प्लीज सुनाला, प्लीज। आप जानती क्या है मेरे बारे में? कितना जानती है मुझे? अचानक से मोहब्बत हो गई आप? मोहब्बत जानने ही कब देती है? मोहब्बत तो सिर्फ एक बार करती है और इंसान बेबस हो जाता है। मुझे आपसे मोहब्बत का फलसफा नहीं सुनना प्लीज। और मेरे पास अब मोहब्बत के अलावा कोई और बात नहीं है। जनरा प्लीज, बेहतर यही है कि हम दोनों आपस में ना मिलें। आप बेहतर है अवॉइड करें मुझसे। डरते हैं आप कि कहीं आपको मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। नहीं प्लीज, अपनी मोहब्बत को कहीं और जाके तलाश कीजिए। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है अली, और तलाश तो बहुत दूर की बात है। कोई खुद चल के भी आ जाएगा तो आपकी जगह नहीं ले सकता। तो कोई आप इस बात को मानती हैं कि मोहब्बत एक बार होती है? बिल्कुल मानती हूँ। तो फिर सुन लीजिए कि मुझे वो एक बार मोहब्बत हो चुकी है। आप क्यों आई हैं आप यहाँ? मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ। अब कौन सी बात बाकी रह गई जो आप यहाँ करने आई हैं? हमारा आपका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं कि आप हमारे घर में कदम तक रखें। लेकिन बगैर बात किए तो मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। सुरैया बात कर लेनी तो उसे, मैं भी तो देखूं क्या कहने आई। लेकिन मैं आप लोगों से माफी मांग लेंगी, और मैं चाहती हूँ कि अपनी माहीन को। खबरदार, खबरदार जो आपने अपनी जबान से माहीन का नाम तक लिया हो। देखिए बहन, मेरा बेटा उससे मोहब्बत करने लगा है तो हम क्या करें? मैंने आपसे कहा ना, जो भी कुछ हुआ अनजाने में हुआ, पर मुझे नहीं पता था कि अनजाने में मैं आप लोगों को इतना दुख दे रही हूँ। बेटा जो होना था हो गया, अब तुम्हारी ये नदामत टूटे हुए रिश्ते को बहाल नहीं कर सकती। आपके बेटे क्या मामला था उसे वापस कर दीजिएगा।
देखो बेटा, मुझे पता चल गया है कि काशान ने तुम्हें मजबूर किया था कि तुम उससे आके मिलो। सलीमा बेगम, बेहतर है तुम यहाँ से जाओ। अब हमें ना तुम्हारी नदामत की जरूरत है ना माजरत की। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो कुछ भी हुआ है गलत फहमी की वजह से हुआ है, अनजाने में हुआ है, और अब तो मैं खुद चलकर आई हूँ आप लोगों के पास। हमारी बेटी को रुसवा करके रख दिया आप, और कितनी आसानी से आप कह रही हैं गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ सब कुछ। खुदा के लिए चली जाइए अब आप यहाँ से। देखिए, मैं फिर आऊंगी, आप लोग एक बार भाई साहब से बात जरूर करें। सुरैया, ये सब क्या है? क्या अम्मी जी? माहिन ने कितनी बेशर्मी से अंगूठी लौटाई है सलीमा को। वो अंगूठी तो काशान ने उसे नहीं पहनाई थी हमारे सामने जी। इसका मतलब है सलीमा बेगम जो कह रही थी वो सब सच है? नहीं नहीं अम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये अंगूठी? बाजार जा रहे थे माहिन और गुड्डी, काशान मिल गया, जबरदस्ती थमा दी उसने तोहफे के तौर पे। ये हुआ था। हर वक्त झूठ बोलती रहती है औरत, हर वक्त बहानेबाजी। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। मैं भी मालूम करती रहूंगी, हर वक्त ड्रामे चलते रहते इस घर में। सबको बिगाड़ के रख दिया इस औरत ने, तबाह कर दिया मेरे बेटे के घर। ये क्या हमाकत की है तुमने? जो बात मैं सबसे छुपाती फिर रही वो बात तुमने दादी के सामने कह दी। अगर वो इनकार कर सकता है तो क्या मैं उसकी अंगूठी वापस नहीं दे सकती? बेवकूफ लड़की, अंगूठी वापस करने की बात नहीं कर रही, और अंगूठी वापस करके तुमने साबित कर दिया कि तुम काशान से मिलती रही। मौका मिल गया ना तुम्हारी दादी को बात करने। अम्मी, दादी ऐसी नहीं है, आप बिला वजह उनके बारे में ऐसा सोचती रहती है। और वो करेंगी भी क्या? अब्बू को शिकायत करेंगी, अब्बू से डांट पड़वा दे। बस इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी औलाद को कोई कुछ कहे। माँ हो ना, हम क्यों मौका देंगे इसे? मैं गई थी उन लोगों के घर, बिल्कुल भी नहीं माने वो। तो जाहिर सी बात है, जल्दबाजी में मैं जो कुछ भी कर चुकी हूँ वो इतनी जल्दी तो नहीं मानेंगे। वो भी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। बस आपा, आप दुआ करें ना करें मैं अपना जाला कर सकूं जल्द से जल्द। नवीराबा, काशान की खुशी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं। खैर चले आपा, मैं आपको दोबारा फोन करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मामा? हाँ। आप माहिन के घर गए थे? बताइए, मैंने अभी आपके फोन पे बात करते हुए सुना। क्या फायदा बताने का बेटा, वो लोग नहीं माने। हम परेशान नहीं, मान जाएंगे। थैंक यू मामा। मुझे एहसास हो गया है कि औलाद से मोहब्बत तो की जा सकती है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझा जा सकता।
सुरेखा जरा मुझे पानी तो पिलाओ भाई। जी जी ला रही। आपने बताया नहीं आज जल्दी कैसे आ गए। अरे फसाद बेटा, आज जल्दी कैसे आ गए दफ्तर से? हाँ मैं वो परेशान था, सोचा घर चल के आपसे बात कर लूं। वो निविदा आपा का फोन आया था। क्या कहा उसने? अम्मा बात करना चाह रही थी आपसे, आपकी नाराजगी की वजह से बात नहीं कर पाई। वाह, जब इतनी बातें करनी तब अम्मा की नाराजगी का ख्याल नहीं आया उन्हें? क्या कहा उसने? वही फिर से काशान की वालदा की सिफारिश कर रही। क्या समझ रखा है उन्होंने हमें? आराम से सुरैया, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था तुम्हारी तरह, लेकिन फिर उनकी बातें सुनी तो खामोश होना पड़ा मुझे। आज सलीमा भी आई थी। काशान की वालदा? जी हाँ। मेरी समझ में नहीं आता कि ये लोग अचानक से फिर हमारे पीछे क्यों पड़ गए। तुमने क्या कहा नविदा से? यही कहा अम्मा कि आपने तो इनकार कर दिया हमारी बेटी से, तो हम आपकी बात क्यों माने। ठीक कहा तुमने, मैं नविदा से बात करूंगी, अब उन लोगों को इधर आने से रोकें। हमारी माहिन के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है, अगर नविदा दरमियान में ना आई होती ना तो मैंने इन लोगों में रिश्ता होने ही नहीं देना था, जिन्हें हम लोग पहले से जानते भी नहीं। एक इजाजत चाहिए आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? वो एक्चुअली कुछ दिन के लिए वापस जाना चाहता हूँ लाहौर। ओ, तुम भी? जी वो एक्चुअली मामा बाबा बहुत कह रहे थे, परेशान हो रहे हैं वो मेरे लिए से। और तुम परेशान होते हो उनके लिए? ऑफ कोर्स, मैं भी मिस कर रहा हूँ, इसलिए वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे पास तो उनको मिस करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता होगा। तुम तो बड़े बिजी होते हो ना यहाँ पे, तुम्हें तो फरागत नहीं मिलती होगी। आप एनीवे तुम जा सकते हो, दिन रह के भी आ जाओ। तो वैसे भी तुम्हारी कजन की शादी है ना, वो भी इंटेंड कर लेना। माहिन की? नहीं, वो तो शायद हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मामा और खाला की अनबन हुई हुई है किसी बात पे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो हमें इनवाइट करेंगे। सो अगर इनवाइट कर लें तो जरूर चले जाना, हो सकता है ऐसी बहाने नाराजगी भी खत्म हो जाए। अब जा सकते हो तुम। इंसान की मर्जी में खुदा की मर्जी शामिल होती है बेटा। मामा अगर ऐसी बात है तो मेरी मर्जी भी तो अल्लाह ताला की मर्जी है, मैंने तो अल्लाह ताला से नहीं मांगा था, अल्लाह ताला ने खुद उसे लाके मेरे सामने खड़ा किया है। मामा अगर खुदा ने उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं डाली तो तुम्हारी मर्जी खुदा की मर्जी से जीत नहीं सकती। ठीक मामा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, चलें बस। कल कराची जा रही हूँ। खान बहन की शादी है मेरी,
तब तक तुम छुट्टी करना। कुछ दिनों बाद आ जाऊंगी और हाँ कभी कभी आ करना, घर की सफाई कर दिया करना। अच्छा ठीक है बेगम साहब। नाराज नहीं हो जाओ, एक बात बोले। बोलो। अब वापस इधर नहीं आना। ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो मेरा ही घर है, मुझे तो वापस आना पड़ेगा। ये आपका घर नहीं है, यहाँ पर बहुत जुल्म होता है। नहीं गुलखान, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हुआ करो। अच्छा तो फिर हमसे एक वादा करो। बोलो। जब तुम अपना घर जाएगा वहां सबको सब सच सच बताएगा, फिर सब यहाँ के साहब का खबर लेगा, वादा करो। वादा। किस कदर अकेली हूं मैं, चांद है ना कोई है सितारा, खाली आसमान। हेलो हेलो बेटा, मैं जुनैरा की अम्मी बोल रही हूँ, तुम्हारी बिल्किस आंटी बात कर रही हूँ। जी जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बेटा आप दोबारा आए नहीं घर? वो बस कुछ मसरूफ हो गया था इसलिए। बेटा जुनैरा की बातों को दिल पे नहीं लगाना, वक्त के साथ सब समझ आ जाएगी उसे। जी वक्त हो तो मिलने आ जाना, हम लोग वापसी का सोच रहे हैं। चले मैं शाम में चक्कर लगाता हूँ आपकी तरफ। जीते रहो बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसी बेचैनी के साथ वापस भी आओगी क्या? आप जानते हैं कि मैं नहीं जाना चाह रही, आप मुझे खुद भेज रहे हैं। आप कब तक आएंगे? शादी से एक दो दिन पहले आ जाऊंगा। जरूर आइएगा। बहुत बेतबारी है मुझ पर क्या? मैं इसी यकीन के साथ जा रही हूँ कि आप भी वहां पर आएंगे। अली भी जा रहा है, खैर पता तो होगा। तुम लोगों की फैमिली की कोई नाराजगियां चल रही हैं अली की फैमिली के साथ, आई डोंट थिंक माइन की शादी पर भी बुलाओगे। मुझे कुछ नहीं पता। बुला लेना चाहिए, पता नहीं तुम्हारे खानदान वाले कौन सी नाराजगियां निभा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ पे यारियां निभा रहे हो। आप क्यों इतनी चीप बातें करते हैं? मैं तो सिर्फ बातें करता हूँ, तुम दोनों तो चीप हरकतें कर रहे हो। मेरा अली से या उसकी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं, आपको क्यों समझ में नहीं आती? बेवकूफ नहीं हूँ मैं, इधर तुम्हारी टिकट कंफर्म हुई और वहाँ उसके जाने का प्लान बन गया है, बच्चा नहीं हूँ मैं। आज से पहले आपने मेरी किसी बात पे यकीन किया है? ड्रॉप करेंगे। मैंने ड्राइवर से कह दिया है वो तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ा है। थैंक यू। उसे समझाऊंगी बेटा,
अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो फिर तुम जुनैरा को कैसे वो जगह दे सकते हो? बहुत अच्छी लड़की है आंटी जुनैरा, और अब देखिएगा इंशाल्लाह उसे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। मानती ही नहीं, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन खैर छोड़ो इस बात को, तुम्हारे अम्मी अबू कैसे हैं? बात होती है उनसे? बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं कुछ दिन के लिए लाहौर जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा उनके साथ कुछ दिन। अच्छा, फिर तो वो बहुत खुश होंगे और बहुत इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बेटा, जुनैरा की बात का बुरा ना मानना, और ये भी मत भूलना कि मैं तुम्हें अपने बेटों जैसा समझती हूँ, और अगर मेरा कोई बेटा होता ना तो वो तुम जैसा। मैं समझता हूँ आंटी, और ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है, ट्रस्ट मी, आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, बहुत एहतराम। अच्छा, तो फिर कॉन्टेक्ट में रहना इंशाल्लाह। आप लोग भी कल ही जा रहे हैं? हाँ बेटा, जुनैरा की जिद थी यहाँ आने की, और अब जाने को भी जल्दी कर रही है। तो क्या प्लान है, कैसे जाएंगे? ड्राइवर को फोन कर दूंगी, वो आ जाएगा गाड़ी लेके। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बेहतर समझें, मुनासिब समझें, तो मेरे साथ चलें लाहौर, मैं भी तो लाहौर ही जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ? क्यों नहीं, मैं भी तो लाहौर ही जा रहा हूँ, मेरे साथ चलें। एक तो बेटा भी कहती हैं, और फिर बेटे के होते हुए ड्राइवर को भी बुला रही हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मेरे साथ ही जाएंगी बस, हमें किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये माँ और बेटे का मामला है, ओके? और यह ऑफर सिर्फ आंटी के लिए है, चलेंगी ना आप मेरे साथ? ठीक है बेटा, मना कर दूंगी मैं ड्राइवर को। तो आप सोच लीजिए कि आपको मेरे साथ सफर करना गवारा है या नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। उन्हें यकीन दिलाना है कि उनकी बेटी के हक में जो उन्होंने फैसले किए थे, उनकी बेटी उन फैसलों को बहुत खुश सलूकी से निभा रही है। उन्हें यकीन दिलाना है कि उनकी बेटी इस दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की है। मेरे अल्लाह, मैं जानती हूँ मेरे पास झूठों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, तू जानता है। मेरी दुआ कबूल फरमा। क्या हुआ, लगता है आपका जाने का इरादा नहीं है, यहीं खड़े रहने का इरादा है? आप चले, मैं आती हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इन खूबसूरत नजारों पे आखिरी नजर डाली जा रही है ना? ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि कम से कम दोबारा यहाँ तो नहीं आऊंगी। क्यों भाई, इतनी बेहतरीन जगह है, पुरसुकून। मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो आपका मूड सिर्फ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मेरी परवाह नहीं है तो मेरे मूड की परवाह करने की भी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, तो जनाब का लड़ने का मूड है? I'm sorry, ऐसा कोई इख्तियार नहीं है मुझे। जुनैरा, प्लीज मेरी बात को समझें, मोहब्बत कोई जबरदस्ती का पौधा नहीं होती कि जहाँ दिल किया उगा दिया। लेकिन जब ये उग जाए तो जबरदस्ती इसको उखाड़ा नहीं जा सकता। क्या मैंने कभी आपसे कोई कमिटमेंट की? अली, मोहब्बत में कमिटमेंट तो नहीं होती, ये कोई डील थोड़ी है जो शरायत होंगी इसमें। सही, आई थिंक चलना चाहिए, जरूरी है। अली, आपने एक दफा कहा था कि मोहब्बत एक ही बार होती है, और वो आप कर चुके हैं। मोहब्बत की है, शादी तो नहीं? अगर मैं शादी करता तो सिर्फ उससे करता। कम से कम इतनी उम्मीद दिला दीजिए कि अगर उससे शादी ना हो सकी तो मेरी मोहब्बत को सुरखुरू कर देंगे। इतने दिनों से मेरा तो दिल कर रहा था ना कि कीमा करेले पकाऊं, मगर बस आ नहीं रहे थे घर पे लेके आप, तो बस बने नहीं। हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, आपने कहा था अली को फोन करेंगे, करें ना उसे फोन।
है आपकी बातों में तो दुनिया का होश नहीं रहता, फोन किसे याद रहना था। लेकिन आपने हुक्म किया, अभी कर देते हैं फोन। अली 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 आसामू बाबा। हाँ बेटा, कहाँ तक पहुँचे भाई? जी बस मैं निकल रहा हूँ नथिया गली से, कुछ मेहमान साथ हैं, उनको घर ड्रॉप करूँगा फिर आऊँगा। चलो खैर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, बस जल्दी जल्दी पहुँचो, मैं और तुम्हारी अम्मा बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ सुनो, रस्ते में कहीं खाना खा के ना आना, आज भरे हुए कीमे के भरे हुए करेले पकाए हैं तुम्हारी अम्मा जान दे। जी जी, खाना रात को साथ में खाएंगे। जल्दी करो। चलें, ठीक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलिए। खुदा के लिए मेरी जान का पीछा छोड़ दो। माही मेरी बात तो सुनो, वरना मैं कसम से तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तमाशा बना रहे तो जरूर। तमाशा तो मेरा बन गया है यार। मैं मानता हूँ मामा से गलती हुई है, और तुमको अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है यार। किसी के दामन को ताक-तार करके, किसी का हाथ पकड़ के उसे तन्हा छोड़ दो, इसे गलती गुनाह कहते हैं। मैं हर गुनाह का कफारा देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जो कहूंगी आप मानेंगे ना? तुम कहकर तो देखो। तो खुदा के लिए मुझसे कोई रास्ता मत रखिए, मेरी जान का पीछा छोड़ दे। अम्मी, सुरैया, अम्मी, अम्मा, माहीन, अयमन, मेरी बच्ची, मेरी जान, कौन की तरस गई थी अपनी जान को देखने के लिए। कैसी है तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी क्या हो गया है, रो क्यों रही है? अरे सुरैया बस करो ना, खुश हो जाओ, तुम्हारी बेटी बहुत खुश है वहाँ। हाँ मुझे तो सुबह ही फोन कर दिया था वकार ने, बताया इसे कि आ रही है। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया, मैं चाहता था सरप्राइज हो जाए। वकार नहीं आया? वो बाद में आएंगे। क्यों? उसने तो कहा था वो तुम्हारे साथ ही आएगा। अम्मा कारोबार की वजह से बहुत बिजी है वो, जो ही फुर्सत मिलेगी जरूर आएगा वो। आएगा आएगा, कारोबारी मामला अहम है खूनी रिश्तों से उसके लिए ना। दादी मैं आ गई हूँ ना, मुझसे सारे गिले करने। वो माहीन किधर है? बुलाती हूँ। माहीन, माहीन देखो कौन आया है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, नाराजी की तुझसे? मैं देखती हूँ। चलो भाई इसका सामान तो रखो। अम्मा मैं जरा सामान रखवा के आऊँ। अच्छा आ जाए, पता नहीं क्या क्या लेके आई है। Thank you.
अगर मुझे अंदाजा होता ना कि मेरा यहाँ आना तुम्हें इतना बुरा लगेगा तो मैं कभी भी ना होती। तुम मेरे लिए नहीं आई, अगर तुम्हें मेरे लिए आना होता ना तो इतना अरसा मुझे यह एहसास नहीं दिलाता कि मेरी बहन इस दुनिया में है। मैं इतनी जल्दी मरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या चाहते हो इस पूरे कमरे में तुम अकेले आशी करो? बकार भाई ने अब तुम्हें मना नहीं किया कि अपने दुश्मनों से जाके मत मिलो? कहा नहीं कुछ? बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम तो नाराज हो ना मुझसे। मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं उनकी बात। जानती हूँ मैं, क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट कहीं और है। क्या नाम है? काशान, यही नाम है ना? अरे वाह, जनाब को मौसुफ का नाम याद है। चलो पिक्चर दिखा दो। कहाँ है फोन तुम्हारा, दिखा मुझे। कुछ भी नहीं है इस फोन में, ना ही यहाँ किसी की शादी हो रही है और ना ही मैं किसी काशान को जानती। मैं तो तुम्हें भी नहीं जानती। मुझे तो तुम भी बहुत अजनबी सी लगती हो। माहीन, तमीज से बात करो बहन से। क्या हो गया इसे? मैं समझाती हूँ उसे। तुम जाओ, मैं दादी और अबू बुला रही हूँ। क्या हो गया तुम? किस तरह बात करी हो बहन से? हम्मी बहनें ऐसी होती हैं क्या? उसे तो ये भी नहीं पता कि काशान का हिस्सा कब का खत्म हो चुका है। इसलिए कि उसे हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया इस डर से कि कहीं वो अपना आने का प्रोग्राम कैंसिल ना कर दे। बहने तो बहनों की रास्तार होती है, उनके दुख सुख के साथी होती है, मगर अम्मी, अम्मी से तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता ना उसे। परवाह है तो आई है ना बेटा। खत्म कर दो अपना नाराजगी, तुम्हारे रवैये से उसे बहुत तकलीफ हो रही है। अम्मी, बेटी है ना वो आपकी, आपको भी उसकी लगेगी। किसी को परवाह नहीं, किसी को भी। खामोश हो जा माही, अब मैं तुम्हें डांट दूंगी। अच्छा सोचा करो बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा चलो अब जल्दी से आओ, सब इंतजार करें। कमाल करते हैं आप भी ना। आपने पूछना तो था मेहमान कौन है उसके साथ। और आप भी कमाल करती हैं। अभी तुम्हारे सामने तो पूछा है, कहने लगा कि आकर बताऊंगा। भाई अगर कोई मेहमान है अभी तो उसे घर ले आए ना, खाना खिला देंगे उसे भी। हाँ अलबत्ता ये अच्छा सवाल किया है, लेकिन ये तो वही सोच सकता है ना। हो सकता कि किसने लिफ्ट ले ली हो। ये भी तो हो सकता है उसके दफ्तर का कोई बंदा हो। हाँ खैर होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। वैसे एक बात बताऊं? हाँ बताएं। कार में से किसी लड़की की आवाज भी आ रही। क्या हमारे अली के साथ किसी लड़की की आवाज? जी हाँ, वैसे ये कोई इतनी भी खौफनाक खबर नहीं है कि आप इतना सहम जाएं। अब देखना ये है कि वो आकर हमें क्या बताता है। आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जी इसलिए खुश हूँ कि हो सकता है कि जो बात करने के लिए हमने उसे यहाँ बुलाया है वही बात वो खुद करने के लिए हमारे पास आ रहा हो। ऐसी बात होती तो वो कोई इशारा ना देता। इशारा तो दे दिया है साहबजादे ने। हाँ है हाशम, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हैं? बताते क्यों नहीं क्या इशारा दिया है? मेरी जान बताया तो है कि वो कह रहा है कि आकर बताऊंगा। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि कार में जो कोई भी मौजूद है उसके सामने वो नहीं बताना चाह रहा। अल्लाह करे कि जैसा समझ रहे हैं हम वैसा ही हो।
इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, देख लेना। हमारी भी उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। आसिम फोन में ला के दे ना मुझे, मैं उसे कहती हूँ मेहमान को लेके सीधा गाड़ी आ जाए। नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जब उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ तो फिर उसे आके ही बताने दो। लेकिन और लेकिन वेकिन कुछ नहीं, समझा करो ना। ये बात उसे खुद बताने का मौका देना चाहिए, इससे हमारा पलड़ा जरा भारी रहेगा। या अल्लाह मियां, आपने क्या किया, मुझे एक दफा बता तो देते आप लोग। हमने सोचा तुम खामखा परेशान हो जाओगी। दूसरा मुझे ये भी डर था कि कहीं ये सुन के तुम अपना आने का प्रोग्राम कैंसिल ना करो। तड़प रही थी तुम्हें देखने को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं वकार को क्या जवाब दूंगी, वो तो यही समझेंगे ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बेटा मुझे भरोसा नहीं है तुम पे। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत भरोसा करते हैं मुझ पे, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। क्यों किया था खुद को इतना दूर हमसे? दूर नहीं, वकार बहुत बिजी रहते और मैं भी उनके साथ बिजी रहती हूँ, उनकी हर चीज का ख्याल मुझे रखना पड़ता है। मैं समझती थी शायद तुम अपने घर में खुश नहीं। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ और वकार तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो आएंगे ना, खुद ही देख लीजिए। जब से तुम आई उसने फोन करके पूछा नहीं पहुंच गई हो या नहीं? हरे हरे चू।